गोमिया के लुगु पहाड़ में प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइडल पावर प्रोजेक्ट का आदिवासी समाज ने विरोध किया है। ललपनिया में आहो जन आक्रोश महादान में पूरे देश से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए हैं और वहीं विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार और डीवीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। साथ ही धार्मिक आस्था से जुड़े लुगु पहाड़ पर पावर प्रोजेक्ट लगाने के निर्णय को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। हर बार डीबीसी के द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को यहाँ अच्छा भी था और चूंकि आदिवासी संतालियों को एक बहुत बड़ा धर्म धरोहर है, विश्व स्तर के धर्म धरोहर है, इसलिए धर्मिक स्थान का खेत पहुँचाना ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो कुछ भी करना पड़े लेकिन डीबीसी का हैंडल पावर प्रोजेक्ट को नहीं बनने देंगे, ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं। भारत सरकार को आह्वान कर रहा है कि आदिवासियों के धार्मिक धरोहर का छेड़छाड़ करना बंद करे और 1500 मेगावाट और प्रोजेक्ट को हाइडल पावर प्लांट को वापस ले। राजकुमार जुड़ रहे हैं। राजकुमार, देखिए हमने एक आदिवासी भाई के बात सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक चुनौती है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार की सरकार को कि आदिवासियों के धरोहरों के साथ छेड़छाड़ करना सरकार बंद करे। जी जी जी, आज इसी को लेकर जो हाइडल प्लांट जो प्रस्तावित है डीबीसी का, उसके विरोध में जो बहुत महाजुटान आयोजन है और जो है सो बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साफ साफ कहना है कि अगर केंद्र सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े या जान देनी पड़े, और बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए ये तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर आदिवासी लोग एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि इस प्रोजेक्ट का जो विरोध किया जा रहा है इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। तमाम जानकारी के लिए राजकुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।